आई हूँ ये एक कप चाय, दिन में किसी भी दफा पी लीजिए, रोजाना लगातार एक महीने तक आपका पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द है वो दूर हो जाएगा। अगर आप भी हर मौसम के बदलने पर बीमार हो जाते हैं, सांस की तकलीफ होती है, सर्दी जुकाम बुखार आपको अपने अंदर घेरे रहता है, तो ये वो प्रॉब्लम को भी दूर करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको मुंह से दुर्गंध आती है या फिर आपको सांस लेने की तकलीफ है, थोड़ा सा चलने पर ही आपकी सांसें फूलना शुरू हो जाती हैं, या फिर आपको भी अस्थमा है, तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करते हुए प्लस में आपके मोटापे को भी कम करेगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि सर्दियों में इस चाय को कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में दो चीजें मैं इस्तेमाल करूंगी सिर्फ इस चाय को बनाने के लिए, और वो आपके किचन में अवेलेबल होती हैं। इसके साथ साथ उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और रिजल्ट इतना बेहतरीन होगा जो आपको रोजाना के इस्तेमाल करने पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चाय को बनाने के लिए आपने मोटी इलायची का इस्तेमाल करना है, जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं। मोटी इलायची का इस्तेमाल आयुर्वेद में भी बहुत सारी दवाइयों को औषधियों को बनाने में किया जाता है। मोटी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है। देखिए विटामिन सी क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा जवान रखता है, ग्लो लेकर आता है, आपके स्किन पे कोई भी एलर्जी के इश्यूज है उनको दूर करता है। पोटेशियम इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है जो आपके जोड़ों के दर्द को दूर करता है, और सबसे अच्छी बात ये आपके पित्त के संतुलन को बरकरार रखता है। इसके साथ साथ अगर आपके मुंह में छालों की समस्या है या बार बार कोई घाव हो जाता है, बदबू आती है, तो ये उन प्रॉब्लम को भी दूर कर देगा। अगर आपको बहुत ज्यादा माइग्रेन की समस्या है, सिर दर्द हमेशा होता ही रहता है, ठीक से आप सो नहीं पाते हैं, तो जब आप इस चाय को पियेंगे तो आप एक छोटे बच्चे की तरह नींद ले पाएंगे। इसके साथ साथ आपकी स्किन पर ये एंटी एजिंग का काम करती है, आपके स्किन को बहुत ज्यादा जवान और ग्लोइंग इफेक्ट देती है, प्लस में आपके हेयर्स के लिए और आपके डाइजेशन के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है। इसके साथ मेरा दूसरा इंग्रेडिएंट रहेगा इस चाय में, वो है काली मिर्च। काली मिर्च आपके शरीर के लिए औषधि का काम करती है, ठीक है। काली मिर्च में पिपरीन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। अगर आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी जुकाम है, अस्थमा है, सांस लेने में तकलीफ है, ये थोड़ा सा ही वॉक करने पर आपकी सांसें फूलना शुरू हो जाती हैं, तो ये उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि काली मिर्च में पिपरीन जो मैंने आपको बताया कंपाउंड पाया जाता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, ये जो भी आप खाना खाते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पचाने का काम करता है। साथ ही साथ आपकी मेटाबॉलिक रेट इससे इतनी हाई हो जाएगी कि आप नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग नोट करेंगे कि आपको ना तो खाना खाने के बाद पेट में दर्द, छाती में जलन, गैस, अपचन, खट्टी डकारें, ये जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो एकदम से आपकी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ये बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि विंटर्स में इस चाय को जरूर पिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इतनी क्वांटिटी में इसको यूज नहीं करना जितना कि आप देख रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है, उसमें आपने डालना है 1.5 गिलास पानी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि इसको पीना कब है। पूरे दिन में आप कभी भी पी सकते हैं, जैसे आपने ब्रेकफास्ट करा तो उसके 1 घंटे बाद पी लीजिए, मतलब जो भी आप मील ले रहे हैं तो उसके 1 आवर बाद आपने इसको इनटेक करना है, और इस चाय के 1 घंटे बाद ही आपको कोई भी नेक्स्ट चीज, छोटी मोटी जो भी अगर आप स्नैक्स कर रहे हैं, जंकिंग कर रहे हैं, तो तब आपको उसके बाद ही खाना है। तो 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ 1 इलायची ऐड करेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी ले सकता है, बहुत इफेक्टिव है ये। और सिर्फ हम इसमें डालेंगे 2 काली मिर्च, क्योंकि इनकी तेजी गर्म होती है, तो इतनी क्वांटिटी इनफ है, ये किसी को भी गर्मी नहीं करेगी जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ। अब इस पानी को हम गैस पर रख देंगे और अच्छे से बॉईल करेंगे। इतना आपने बॉईल करना है कि ये 1.5 गिलास का पानी 1 गिलास रह जाए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पानी ऑलमोस्ट कम हो चुका है, 1 गिलास रह चुका है, तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और कम से कम इसको 5 मिनट के लिए एज इट इज रहने दीजिए। 5 मिनट बाद जैसे ही आप इसको देखेंगे इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका होगा और इस चाय को आप इंजॉय करें। अगर आपको इसका टेस्ट
फीका लग रहा है तो आप इसमें 1 स्पून हनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप इसमें हनी ऐड नहीं करेंगे, और अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी आप इसमें हनी कोई भी मीठा ऐड नहीं करेंगे। जब आप इसको पियेंगे तो इसकी चाय का टेस्ट आपको बहुत अच्छा फील होगा, और विद इन अ वीक आपके जैसी ही बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो तो इस चैनल पे दोबारा विजिट करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल कुछ नई चीजों के साथ, ऐसी हमेशा कुछ नया लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।